नागार्जुन ने रसायन शास्त्र को दिया था, ये रसायन शास्त्र किस दुनिया के किस वैज्ञानिक ने वो सूत्र को दिया है, ये पाणिनि ने संस्कृत को दिया, व्याकरण को दिया। आज नासा भी कह रहा है कि निकट भविष्य में यदि कंप्यूटर वर्किंग कंप्यूटर, यदि बोलचाल की भाषा का कंप्यूटर जिंदा रहेगा तो केवल संस्कृत के बल पर ही रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता। ये नासा बोल रहा है क्योंकि संस्कृत साइंटिफिक भाषा है, जो बोला जाता है वही उच्चारित होता है, वही लिखा जाता है, और दुनिया में कोई भाषा ऐसी साइंटिफिक नहीं है। हम क्यों भूले अपने को, हम क्यों नहीं उसको आगे बढ़ाने की बात की है। ये ऋषि कणा, ये अणु और परमाणु का, किस दुनिया के व्यक्ति ने अणु और परमाणु का के बारे में विचार किया है, शोध किया है? ये अणु और परमाणु के बारे में शोध किया है, जो खोज दी है तो चरक ऋषि ने दिए। हमारे पास बहुत बड़ा आधार है, पूरी दुनिया को सब कुछ देने का आधार है।